दोस्तों, जब भी हम कुछ नया इन्वेंट करने का सोचते हैं, तो लाजमी तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर होती है। और कुदरत से बेहतरीन इंस्पिरेशन क्या हो सकती है, हाँ? तो आज हम जानेंगे कि जेलीफिश ने रोबोटिक्स की रिसर्च में कैसे मदद की। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, साइंटिस्ट ने जब जेलीफिश पर रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि वो शिकार कैसे करती है। वो अपने स्प्रिंग की तरह के हाथों, जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं, उसकी मदद से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ती है। हाल ही में हार्वर्ड ने एक रोबोट बनाया है, जिसको वो ग्रिपर कहते हैं, जो कि इंसानों की तरह आसानी से चीजें उठा सकता है। ये खास किस्म का रोबोट है, जिसके टेंटिकल्स होते हैं, जो उसे चीजों को पकड़ने में मदद देते हैं।